बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी अपने बेबाक अंदाज और साफगोई के लिए जाने जाते हैं। कई बार वो अपनी ही पार्टी को निशाने पर ले लेते हैं। अपने ट्वीट्स के चलते तो वो अक्सर खबरों में रहते हैं। इस बार उन्होंने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को अपने ट्वीट्स में घेरा है। दरअसल वित्त मंत्री ने मीडिया को इस बात की जानकारी दी कि जीएसटी काउंसिल की बैठक में आखिर राज्यों को मुआवजा देने पर क्या फैसला हुआ है। वित्त मंत्री ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था कोरोना वायरस के रूप में सामने आए असाधारण एक्ट ऑफ गॉड का सामना कर रही है, जिसकी वजह से इस साल अर्थव्यवस्था के विकास की दर सिकुड़ सकती है। कोरोना महामारी को एक्ट ऑफ गॉड यानी दैवीय आपदा बताने पर सुब्रमण्यम स्वामी भड़क गए। सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट किया, मुझे इस बात की पुख्ता जानकारी मिली है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोविड-19 को एक्ट ऑफ गॉड बताया है। मैं इसका वीडियो जल्द ही पोस्ट करूंगा। क्या सालाना जीडीपी रेट वित्त वर्ष 2015 के 8% से 2020 की पहली तिमाही में 3.1% पर आ जाना भी एक्ट ऑफ गॉड है। ये मामला सोशल मीडिया पर भी काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। इसके बाद स्वामी ने वो वीडियो भी जारी किया जिसमें निर्मला सीतारमण कोविड-19 को एक्ट ऑफ गॉड बता रही हैं। इस वीडियो में सीतारमण ने आने वाले समय में अर्थव्यवस्था की विकास दर में भी कमी का अनुमान लगाया है। The gap which arises in the compensation essentially deriving from the calculation methodology which is already embedded in that because the act didn't foresee an act of God. It just kept saying protected revenue should be taken care of. And it also said approximately a 10% growth, what is the actual revenue. And therefore it made sure that it hardwired giving compensation. Whereas this year we are facing an extraordinary situation that even below the 10% approximate estimation, you're facing an act of God which might even result in a contraction of the economy. किसी आपदा को एक्ट ऑफ गॉड यानी दैवीय आपदा कहना उचित नहीं है। ऐसा माना जाता है कि कोई भी आपदा ईश्वर नहीं कर सकता है, यानी वो ईश्वरीय कृत्य नहीं हो सकता है। इसीलिए अंग्रेजी में अगर किसी प्राकृतिक आपदा को नेचुरल डिजास्टर लिखते हैं तो हिंदी में लोग उसे प्राकृतिक आपदा लिखते हैं। इस बयान के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर वित्त मंत्री को ट्रोल किया जाने लगा। कोरोना महामारी को एक्ट ऑफ गॉड बताने पर वित्त मंत्री ट्विटर पर ट्रोल हो गईं। लोगों ने अपने रिएक्शन में कहा कि अगर सब भगवान की माया है तो सरकार की क्या जरूरत है। इस तरह के कई रिएक्शंस ट्विटर पर देखे गए जिसमें लगभग सभी वित्त मंत्री को ट्रोल कर रहे थे।